हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर कैसे हम स्टॉक जनरल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक क्वेरी आई कि कैसे हम इक्विटी मार्केट के अंदर, यानी जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को बाय और सेल करेंगे, उनको रिकॉर्ड हम एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूडिंग द स्टॉक प्राइस, यानी जो भी हम स्टॉक की एंट्री करेंगे उसका प्राइस हमको शो हो जाए। इस पॉइंट को मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर ये करंट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो यानी जिस भी स्टॉक की एंट्री हम यहां पर करेंगे यहीं पर उसका करंट प्राइस हमको शो हो जाए। इसके बाद यहां पर सेकंड पॉइंट है मल्टीपल एंट्री ऑफ सेम स्टॉक विद डिफरेंट प्राइस ऑन डिफरेंट डेट्स। जिस स्टॉक को हम बाय करेंगे उसके अंदर जब हम एंट्री लेंगे तो वो हम डिफरेंट डेट और डिफरेंट प्राइस पे लेंगे। इसके बाद लास्ट और थर्ड पॉइंट है सेलिंग ऑफ सेम स्टॉक विद फीफो मेथड। तो यहाँ पर भी इनका मतलब है कि जब भी हम स्टॉक से एग्जिट करेंगे तो उसको हम डिफरेंट डेट और डिफरेंट प्राइस के ऊपर करेंगे, साथ ही साथ जो हमारी सेलिंग हो वो फीफो मेथड से हो। मतलब कि हम जैसे जैसे बाय करें, जो भी हम पहले बाय करें वो पहले सेल आउट हो। अब यहाँ पर सारे पॉइंट ओके हैं, बट यहाँ पर जो फीफो मेथड की बात है, अगर हम इस शीट को फीफो मेथड से क्रिएट करते तो ये शीट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो यहाँ पर मैंने फीफो मेथड नहीं बताया है। ये एक ऐसी शीट है जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये शीट भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी। बाकी इस शीट के अंदर आपको कुछ भी कमी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस शीट के ऊपर हम कैसे वर्किंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक का नाम डालेंगे, जो भी स्टॉक का करंट प्राइस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है बाय, एंट्री वन, एंट्री टू और एंट्री थ्री। जब भी हम स्टॉक को बाय करेंगे तो उसकी डेट हम यहाँ पर डालेंगे, क्वांटिटी, रेट। क्वांटिटी और रेट डालने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम एक स्टॉक के अंदर एक से ज़्यादा बार एंट्री लेते हैं तो उनकी डेट, उनकी क्वांटिटी और उनका रेट हम आगे बताते चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज प्राइस। यहाँ पर ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। क्योंकि हमने स्टॉक को एक से ज़्यादा बार परचेस किया है, डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर परचेस किया है और डिफरेंट रेट पर परचेस किया है, तो इनकी कैलकुलेशन से हमने एवरेज प्राइस निकाल लिया। अब जब भी स्टॉक से एग्जिट करने की बारी आती है तो हम इस प्राइस से नीचे इसको सेल आउट नहीं करेंगे। इसके बाद सेलिंग के लिए एग्जिट वन, एग्जिट टू, एग्जिट करने पर हम डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। एग्जिट करने पर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जो भी हमारी ब्रोकरेज लगी वो हम यहाँ पर बता देंगे। ब्रोकरेज पे करने के बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हुआ वो हमारा यहाँ पर शो होगा। ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम अपनी इनिशियल कैपिटल बता देंगे। अब ट्रेड लेने पर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका टोटल हमारा यहाँ पर आता चला जाएगा। ऐसे ही सेम लॉस के लिए भी है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस होने के बाद जो भी हमारा नेट इफेक्ट होगा वो यहाँ पर शो होगा। ये हमारी शीट की वर्किंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं और कैसे इसको आप अपने लिए बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक डिटेल पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर हमने 7 एंट्रीज कर रखी हैं। अब यहाँ पर हमको न्यू एंट्री करनी है, इसके लिए हम नेक्स्ट सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर डालते ही हम देखेंगे यहाँ पर हैशटैग फेड आ गया है, इसको अभी हम इग्नोर कर देंगे। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टॉक नेम पर, जो भी हमने स्टॉक लिया है उसका नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अभी मैंने लिया है टाटा स्टील, यहाँ पर हम लिख देंगे टाटा स्टील।
अब जैसे ही हमने यहाँ पर नाम लिखा तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी इस स्टॉक का कंप्लीट नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर भी देखेंगे तो जो भी स्टॉक का करंट प्राइस होगा वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। करंट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल स्टॉक नेम। स्टॉक नेम हमारा यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डॉट प्राइस, एंटर प्रेस करेंगे, जो भी स्टॉक का करंट प्राइस होगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, स्टॉक हमने कब बाय किया है उसकी डेट हम यहाँ पर डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और रेट बताएंगे। तो जितना अमाउंट हमारा लगा होगा उसके हिसाब से यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अमाउंट निकालने के लिए हमने सिंपली यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। सेम फॉर्मूलास एंट्री 2 और एंट्री 3 के अंदर हैं। अब क्योंकि हमने इसको एक ही बार बाय किया है तो हमने एंट्री 1 के अंदर डिटेल्स को डाल दिया है। अगर हम इसको दोबारा से परचेज करेंगे तो उसको हम एंट्री 2 के अंदर डालेंगे। अभी के लिए मैं एंट्री 2 और एंट्री 3 के अंदर 0 डाल देता हूँ, तो क्वांटिटी और रेट के अंदर दोनों में ही 0-0 करके डाल देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर है अमाउंट इन्वेस्टेड, इसको निकालने के लिए हमने सिंपली एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3 का टोटल जो कि अमाउंट का टोटल है उसको यहाँ पर हमने इकट्ठा कर दिया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस निकालने के लिए हमने एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 3 की जो क्वांटिटी हैं उनका टोटल किया है और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड के अंदर में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे करके हमारे पास एवरेज प्राइस निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम सेल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हमने एंट्री के लिए क्रिएट किया है वैसे ही हमने एग्जिट 1 और एग्जिट 2 के लिए क्रिएट किया है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमने एग्जिट 1 और एग्जिट 2 का टोटल किया और इसको माइनस किया है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड में। तो ऐसे करके हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा। इसके बाद ब्रोकरेज, ब्रोकरेज हमको खुद कैलकुलेट करके डालनी पड़ेगी। इसके बाद ब्रोकरेज डालने के बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो निकल कर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया है ब्रोकरेज को। इसके बाद ट्रेड के अंदर हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फाइनली जो हमारा कैपिटल वाला पोर्शन है यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पर हमने सम इफ का फॉर्मूला यूज़ किया है। फॉर्मूला क्या है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट, रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएंगे, इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा है प्रॉफिट, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे सम रेंज, सम रेंज हमारी है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा प्रॉफिट होगा ये बस उसी का टोटल करेगा। सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया है लॉस का टोटल करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कैसे हमने इस शीट को बनाया। अब आप इसको कैसे अपने लिए बनाते हैं या इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप भी कोई शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता सकते हैं। जैसे भी आप बताते हैं मैं उसके हिसाब से ट्राई करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।